पहले देश से गंदगी साफ करने का मिशन चलाया, फिर नोटबंदी से काले धन पर वार किया और अब शुरू किया है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को क्लीन करने का अभियान। मोदी सरकार ने सीबीआई पर अब तक की सबसे बड़ी इस कार्रवाई से साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार तो कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर चाहे उंगली सीबीआई के डायरेक्टर पर क्यों ना उठे। क्या करप्शन खत्म नहीं होता है? मैं आज विश्वास से कहता हूं कि हो सकता है। मोदी सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि जांच चाहे किसी भी संस्था में बैठे बड़े से बड़े अधिकारी के खिलाफ हो, वो पूरी तरह से निष्पक्ष ही होनी चाहिए। सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग पर भी सरकार ने ऐसा ही सख्त कदम उठाया है। इन दोनों ही सबसे बड़े अधिकारियों को छुट्टियों पर भेजकर ताकि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो सके, जांच किसी तरह से प्रभावित ना हो और अगर कोई असल में दोषी है तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करे। कल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अपनी मीटिंग में सेक्शन 8 सीवीसी एक्ट और सेक्शन 4(1) ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत ये सिफारिश की, इन आरोपों की जांच एन एसआईटी नॉट फंक्शनिंग अंडर आइदर ऑफ दीज टू ऑफिसर्स विल इन्वेस्टिगेट द केस। मोदी सरकार जांच की निष्पक्षता को लेकर कितनी सजग है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन दो बड़े अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने के साथ साथ 13 दूसरे अधिकारियों के भी तबादले किए गए जो इस मामले की जांच को प्रभावित कर सकते थे। पीएम मोदी का स्वच्छ भारत मिशन यही तो है, जहां आवो हवा के साथ साथ लोगों का व्यवहार, उनका आचरण भी स्वच्छ हो।